इसके पिछले वीडियो में ऐड प्रोडक्ट और अपडेट प्रोडक्ट पेज को क्रिएट किए थे इस वीडियो में रिडक्स टूल किट को यूज करने वाले हैं ये रिडक्स का डॉक्स है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो सबसे पहले रिडक्स टूल किट और रिएक्ट रिडक्स को इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ से कॉपी करेंगे और वी कोड में प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे और यहाँ पे इसे पेस्ट करेंगे और इसे इंस्टॉल करेंगे इंस्टॉल हो गया then रिडक्स फोल्डर में एस्टोर डॉट जे एस एक्स फाइल को क्रिएट करेंगे और कार्ड स्लाइस डॉट जे एस एक्स को क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे Redux है और इसके अंदर एस्टोर डॉट जे एस एक्स क्रिएट होगा और एक कार्ड स्लाइस डॉट जे एस एक्स को क्रिएट करेंगे तो ये दोनों क्रिएट हो गया देन एस्टोर डॉट जे एस एक्स में रिडक्स store को क्रिएट करेंगे सबसे पहले configure store को इंपोर्ट करेंगे Redux Toolkit से देन यहाँ पे configure store को यूज करेंगे तो यहाँ पे स्टोर में जाते हैं और यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं इंपोर्ट कॉन्फ़िगर स्टोर ये कॉन्फ़िगर स्टोर इंपोर्ट हो गया रिडक्स टूल किट से देन सेकंड में एक फंक्शन बनाएंगे कॉन्स्ट स्टोर इक्वल टू स्टोर को इक्वल कर देंगे कॉन्फ़िगर स्टेट से और इसके अंदर और इसके अंदर रिड्यूसर आएगा जो भी आप रिड्यूसर क्रिएट करेंगे वो यहाँ पे देंगे एक यहाँ पे डेव टूल को इनेबल कर देंगे यहाँ पे डेव टूल ट्रू हो गया तो ये स्टोर एक फंक्शन है और इसको इक्वल कर दिया गया है कन्फिगर स्टोर से और कन्फिगर स्टोर में एक रिड्यूसर आएगा और यहाँ पे डेव टूल्स को ट्रू कर दिया गया है और इस रिड्यूसर के अंदर जो भी आप रिड्यूसर क्रिएट किए हैं वो यहाँ पे देंगे तो ये तो आगे देखते हैं और इस स्टोर को दूसरे फाइल में यूज करना है तो यहाँ पे एक्सपोर्ट लगा देंगे तो ये एक्सपोर्ट हो गया थर्ड स्टेप में प्रोवाइड द रिडक्स स्टोर टू रिएक्ट तो मेन डॉट में जाके इसको प्रोवाइड करेंगे प्रोवाइडर के हेल्प से तो मेन डॉट में जाते हैं और यहाँ पर प्रोवाइडर से रैप करेंगे ऐप को तो प्रोवाइडर इधर देते हैं और प्रोवाइडर के अंदर इस ऐप को दे देंगे ऐप ये प्रोवाइडर से रैप हो गया और इसके अंदर स्टोर को स्टोर से इक्वल कर देंगे तो ये स्टोर है और इस स्टोर को स्टोर से इक्वल करेंगे ये स्टोर टॉप से इंपोर्ट हो गया तो ये प्रोवाइड हो गया यहाँ पे रिडक्स स्टोर रिएक्ट में प्रोवाइड हो गया कार्ड स्लाइस में रिडक्स एस्टेट स्लाइस को क्रिएट करने वाले हैं तो सबसे पहले क्रिएट स्लाइस को इंपोर्ट करेंगे रिडक्स टूल किट से और एक इनिशियल स्टेट लेंगे जो इम्पिटी एरे रहेगा और कार्ड स्लाइस का फंक्शन बनाएंगे और इसको इक्वल करेंगे क्रिएट स्लाइस से ये क्रिएट स्लाइस एक फंक्शन है और उसके अंदर ऑब्जेक्ट दे के ये सब लिखेंगे कार्ड डॉट स्लाइस में जाते हैं और इम्पोर्ट करते हैं क्रिएट स्लाइस को इम्पोर्ट क्रिएट स्लाइस तो ये इंपोर्ट हो गया टूल किट से यहाँ पे इनिशियल स्टेट को बनाएंगे कॉन्स्ट इनिशियल स्टेट इक्वल टू इम्पटी एरे यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे कॉन्स्ट कार्ड स्लाइस इक्वल टू क्रिएट स्लाइस और इसमें एक ऑब्जेक्ट देंगे और इसके अंदर नेम देंगे तो नेम अपना कार्ड रहेगा और यहाँ पे इनिशियल पैरामीटर का यूज करेंगे और यहाँ पे रिड्यूसर का यूज करेंगे और यहाँ पे करली ब्रैकेट देंगे रिड्यूसर क्या है एक तरह का फंक्शन है और रिड्यूसर के अंदर आप अपना फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं जैसे आपको ऐड टू कार्ड फंक्शन बनाना है डिलीट फ्रॉम कार्ड फंक्शन बनाना है या आपको ऐड टू विश लिस्ट फंक्सन बनाना है या डिलीट फ्रॉम विश लिस्ट इस तरह का फंक्शन बनाना है या क्वांटिटी को ऐड करना है तो आपको रिड्यूसर में उस फंक्शन को क्रिएट करना है तो यहाँ पे ऐड टू कार्ड फंक्शन को क्रिएट करने वाले हैं और ये दो पैरामीटर्स लेगा स्टेट और एक्शन तो रिड्यूसर में जाएंगे और यहाँ पे क्रिएट करेंगे ऐड टू कार्ड और पैरेंथेसिस देंगे और ये फंक्शन को क्रिएट करेंगे ये दो पैरामीटर्स लेता है स्टेट और एक्शन यहाँ पे स्टेट लेंगे तो स्टेट क्या है एक इनिशियल स्टेट है जो एम्पटी एरे है और इसके अंदर कुछ पुश करेंगे जैसे ऐड टू कार्ड करने पे आइटम को पुश करेंगे तो यहाँ पे पुश करेंगे एक्शन डॉट पेलोड एक्शन के अंदर दो चीज़ होता है पेलोड और टाइप तो टाइप एक स्ट्रिंग होता है और पेलोड कुछ भी हो सकता है तो जो भी आप प्रोडक्ट पे ऐड टू कार्ड करेंगे तो एक्शन में पेलोड आएगा और ये पेलोड कुछ भी हो सकता है ये इनिशियल स्टेट एम्पटी है जब आप ऐड टू कार्ड करेंगे तो ये यहाँ पे पेलोड आ जाएगा ये पेलोड कुछ भी हो सकता है पुश मेथड के हेल्प से इस एरे में इसे पुश कर रहे हैं ऐड कर रहे हैं देन सेकेंड फंक्शन बनाएंगे डिलीट फ्रॉम कार्ड और करली ब्रैकेट के अंदर कोड को लिखेंगे यहाँ पे रिटर्न करेंगे स्टेट स्टेट को फिल्टर करेंगे तो डॉट फिल्टर लगाएंगे और इसके अंदर आइटम रहेगा ये करेंट आइटम रहेगा और फैट एरो लगाएंगे और यहाँ पे देंगे आइटम डॉट आई डी नॉट इक्वल टू एक्शन डॉट पेलो डॉट आई डी जो आइटम का आई है वो इक्वल नहीं है इसके आई से तो उसे रिटर्न कर दो जितने भी प्रोडक्ट हैं हमारे कार्ड में वन बाई वन चेक करो और जिस प्रोडक्ट का आईडी मैच नहीं होता है उसे रिटर्न करो और जो मैच कर जाता है और उसे कुछ नहीं करो यहाँ पे दो फंक्शन को क्रिएट कर लिए ऐड टू कार्ड और डिलीट फ्रॉम कार्ड देन ऐड टू कार्ड और डिलीट फ्रॉम कार्ड को एक्सपोर्ट करेंगे ताकि दूसरे फाइल में यूज करें तो यहाँ पे एक्सपोर्ट लिखेंगे और कॉन्स्ट डी स्ट्रक्चर करेंगे ऐड टू कार्ड और डिलीट फ्रॉम कार्ड यहाँ पे ऐड टू कार्ड और डिलीट फ्रॉम कार्ड को डी स्ट्रक्चर करेंगे कार्ड स्लाइस डॉट एक्शन से देन लास्ट में कार्ड स्लाइस को एक्सपोर्ट करेंगे तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कार्ड स्लाइस डॉट रिड्यूसर तो ये हो गया देन एड स्लाइस रिड्यूसर टू द स्टोर ये लास्ट स्टेप है रिड्यूसर के अंदर कार्ड स्लाइस को ऐड करेंगे तो स्टोर में जाते हैं और यहाँ पे कार्ड देंगे और कार्ड के अंदर कार्ड स्लाइस को यूज करेंगे तो ये टॉप पे इम्पोर्ट हो गया तो आप इस तरह से आप इस रिडक्स को यूज कर सकते हैं बहुत ही है इजी है सबसे पहले आपको स्टोर क्रिएट करना है और स्टोर में कन्फिगर स्टोर को यूज करेंगे और कन्फिगर स्टोर को इंपोर्ट करेंगे और यहाँ पे यूज़ करेंगे और एक रिड्यूसर बनाएंगे जो भी आप रिड्यूसर को क्रिएट कर रहे हैं वो रिड्यूसर को देंगे डेव टूल्स को ट्रू करेंगे रिएक्ट में रिडक्स स्टोर को प्रोवाइड करेंगे तो मेन डॉट जेस में प्रोवाइड कर देंगे प्रोवाइडर के हेल्प से अपने ऐप को प्रोवाइडर से रैप कर देंगे देन एक कार्ड स्लाइड डॉट जेस को क्रिएट करेंगे और इम्पोर्ट करेंगे क्रिएट स्लाइस को रिडक्स टूल से एक इनिशियल स्टेट बनाएंगे जो इम्पटी एरे होगा और एक कार्ड स्लाइस का फंक्शन बनाएंगे उसको इक्वल कर देंगे क्रिएट स्लाइस से और इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट बना के नेम देंगे इस इनिशियल स्टेट को यहाँ पे देंगे और एक रिड्यूसर देंगे रिड्यूसर एक तरह का फंक्शन है जो भी आपको फंक्शन क्रिएट करना है वो फंक्शन क्रिएट करेंगे और यहाँ पे एक्सपोर्ट कर देंगे और स्लाइस रिड्यूसर को स्टोर में ऐड कर देंगे और जो भी आपको रिड्यूसर बनाना है वो रिड्यूसर्स में बनाएंगे तो बहुत ही सिंपल है यूज़ करना और यहाँ पे जो भी रिड्यूसर को क्रिएट किए हैं क्या ये वर्क कर रहा है तो छोटा सा डेमो देखते हैं तो होम डॉट जेस में जाएंगे रिडक्स के फंक्शन को यूज़ करने के लिए यूज डिस्पैच को यूज़ करेंगे यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे कॉन्स्ट डिस्पैच इक्वल टू यूज डिस्पैच ये रिएक्ट रिडक्ट से इम्पोर्ट होगा और एक यूज सेलेक्टर का यूज करेंगे कॉन्स्ट कार्ड आइटम इक्वल टू यूज सेलेक्टर और इसके अंदर एक एस्टेट आएगा और फैटेर लगाएंगे और एस्टेट डॉट कार्ड जो भी यहाँ पे ऐड टू कार्ड करेंगे या डिलीट टू कार्ड करेंगे तो इस कार्ड आइटम में दिखेगा और इस कार्ड आइटम को आप मैप भी कर सकते हैं ये स्टेट डॉट कार्ड है ये कार्ड जो आप यहाँ पे दिए हैं इस रिड्यूसर के अंदर ये कार्ड जो दिए हैं वो यहाँ पे यूज किया जा रहा है तो यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे ऐड कार्ड तो कौस्ट ऐड कार्ड इक्वल टू एड कार्ड फंक्शन में एड टू कार्ड फंक्शन को कॉल करेंगे कार्ड स्लाइस में जो एड टू कार्ड फंक्शन को क्रिएट किए थे वो यहाँ पे यूज करेंगे तो ऐड टू कार्ड फंक्शन को यूज करने के लिए डिस्पैच का यूज करेंगे ये डिस्पैच कहाँ से आ रहा है यूज डिस्पैच से और डिस्पैच के अंदर उस फंक्शन को कॉल करेंगे तो ऐड टू कार्ड और एड टू कार्ड के अंदर जैसे मैं दे देता हूँ शर्ट तो ये आपका प्रोडक्ट हो गया अभी प्रोडक्ट डेटाबेस से तो आ नहीं रहा है तो ऐसे सिंपल प्रोडक्ट दिया मैंने और यहाँ पे डिस्पैच के हेल्प से ऐड टू कार्ड मेथड को यूज किया देन एक फंक्शन बनाएंगे डिलीट कार्ड कॉन्स्ट डिलीट कार्ड यहाँ पे डिस्पैच को यूज करेंगे और डिस्पैच uh, के हेल्प से डिलीट फ्रॉम कार्ड फंक्शन को यूज करेंगे तो यहाँ पे कॉल किए और इसको इंपोर्ट करेंगे तो ये टॉप पे इम्पोर्ट हो गया अब इसे आप यूज कर सकते हैं तो एक बटन बनाएंगे और बटन में ऐड लिखेंगे और एक बटन बनाएंगे डिलीट का इस बटन के अंदर ऑन क्लिक इवेंट का यूज करेंगे तो ऑन क्लिक एरो के अंदर ऐड कार्ड फंक्शन को कॉल कर देंगे डिलीट बटन में भी ऑन क्लिक इवेंट लगाएंगे और यहाँ पे डिलीट कार्ड फंक्शन को कॉल कर देंगे तो ये गया बटन का बैकग्राउंड दे देते हैं जैसे सी करते हैं और बी जी ग्रे थ्री हंड्रेड और गैप दे देते हैं फाइव और यहाँ पे जस्टिफाई सेंटर कर देंगे और बटन को कुछ पैडिंग दे देते हैं पी इस तरह से बस इसको चेक करने के लिए इस ईवाई को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा हूँ तो कंसोल पे जाएंगे और इन्फो पे जाएंगे और यहाँ पे कार्ड आई जैसे इस पर ऐड करेंगे तो इस कार्ड आइटम पे दिखेगा तो यहाँ पे कंसोल करते हैं सी एल जी कार्ड आइटम कार्ड आइटम इनिशियल स्टेट में इम रहता है तो ये इम दिख रहा है जैसे ऐड करेंगे तो ये ऐड होते जाएगा तो यहाँ पे ऐड करते हैं तो देखिए ये शर्ट ऐड हो गया और जो आप यहाँ पे यहाँ पे डेव टूल्स ट्रू किए हैं तो डेव टूल को देखने के लिए यहाँ पे जाएंगे और रिडक्स को ओपन करेंगे यहाँ पे रॉ पे जाएंगे तो कार्ड के अंदर शर्ट ऐड हो गया एक और ऐड करते हैं तो ये देखिए ऐड हो गया एक और ऐड किया तो फिर से ऐड हो गया और डिलीट करेंगे तो ये सब डिलीट हो जाएगा तो आप इस तरह से यूज कर सकते हैं जैसे ऐड किया ये तो देखिए ये ऐड हो रहा है इतना डेटा और डिलीट किया तो ये सब डिलीट हो जाएगा तो फिर से ऐड किया यहाँ पे चार्ट को देख सकते हैं और ट्री को देख सकते हैं यहाँ पे ऐड टू कार्ड और डिलीट फ्रॉम कार्ड फंक्शन अच्छे से चल रहा है तो आप इस तरह से रिडक्स को यूज कर सकते हैं और ये रिडक्स डेव टूल है तो इसमें आप डेटा को देख सकते हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में